जय हिंद माय डियर फ्रेंड। आज से आपको एक नए अंदाज में ट्वेल्थ क्लास के लिए टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट चालू मैंने कर दिया है और इस प्रैक्टिस सेट में प्रत्येक चैप्टर का कम से कम 50 से 80 क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा, यानी 50 से 80 क्वेश्चन एक एक चैप्टर का मैं ऑब्जेक्टिव आपको सॉल्व कराऊंगा और वो भी राफेल के स्पीड में, यानी मुश्किल से आपको एक क्वेश्चन को 1 मिनट में सॉल्व कर देना है, यानी आपको उससे ज़्यादा समय नहीं मिलेगा और उस 1 मिनट में मुझे एक्सप्लेन भी करना है तो समय कम मिलेगा और हम लोग क्वेश्चन को राफेल की स्पीड में उड़ाएंगे। अब हम लोगों को एक एक क्वेश्चन को चुन चुन कर पढ़ना है, तो क्या आप तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है और इस क्वेश्चन के लिए आपको दिया जाएगा 10 सेकेंड, तो जल्दी फास्ट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। जी हाँ, ऑप्शन बी घटेगा। देखिए मेरे दोस्त, मैंने आपको कंसेप्ट में बताया था कि जब किसी पदार्थ को हम लोग धन आवेशित करते हैं तो उस पदार्थ का द्रव्यमान क्या होता है, घट जाता है। और वहीं पर मैंने लिखवाया था कि जब हम किसी पदार्थ को ऋण आवेशित करेंगे तो उस पदार्थ का द्रव्यमान बढ़ जाता है, लेकिन इस क्वेश्चन में है धन आवेशित, तो इस वस्तु का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और इस क्वेश्चन के लिए भी आपको मिलेगा 10 सेकेंड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। मेरे दोस्त, आप याद रखिएगा, किसी संकाय का कुल आवेश हमेशा निश्चित होता है। हमेशा कुल आवेश पूछ दे या कुल ऊर्जा पूछ दे, वह हमेशा निश्चित ही रहता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने और इस क्वेश्चन के लिए आपको मिलेगा 10 सेकेंड, तो जल्दी फास्ट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। जी हाँ, ऑप्शन ए प्रतिकर्षित। मेरे दोस्त, मैंने कंसेप्ट में लिखवाया था, यह एक एक बात मैंने आपको नोटबुक में नोट करवाया था कि समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को हमेशा प्रतिकर्षित करते हैं, यानी प्लस प्लस रहे या माइनस माइनस रहे, यह हमेशा एक दूसरे को प्रतिकर्षित ही करेंगे, ठीक है, यह मैंने आपको लिखवाया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने और इस क्वेश्चन के लिए आपको मिलेगा 10 सेकेंड, तो जल्दी फास्ट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। जी हाँ, ऑप्शन बी आकर्षित। यह भी मैंने आपको लिखवाया था कि विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो आप यदि वह वीडियो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैं दे दूंगा, आप वहां से वह वीडियो देख लीजिएगा। तो विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने और यह क्वेश्चन बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन समय आपको दिया जाएगा 10 सेकेंड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। जी हाँ, ऑप्शन बी कूलम्ब। आवेश का SI मात्रक होता है कूलम्ब, और मैंने वहीं पर लिखवाया था कि आवेश का CGS मात्रक क्या होता है, स्टैट कूलम्ब।
और जो फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है एम्पियर, यह भी आप नोट कीजिए कि यह विद्युत धारा का मात्रक होता है। और जो सी ऑप्शन में दिया गया है ओम, यह प्रतिरोध का मात्रक होता है। आपके एग्जाम में एक मात्रक या एक बीमा से क्वेश्चन 100% रहेगा, तो जहाँ भी मात्रक मिले बीमा मिले उसको छोड़ना नहीं है, ऑप्शन सहित आपको लर्न करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, और इस क्वेश्चन के लिए 10 सेकेंड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। जी हाँ, ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। मेरे दोस्त, आवेशित होने की पहचान, यानी हम लोगों को बताना है कि कोई वस्तु आवेशित होता है तो उसकी पहचान क्या है। तो आप ही बताइए मेरे दोस्त, कोई भी वस्तु आवेशित होता है, यानी धन या ऋण का बात नहीं किया गया है, वह आवेशित का सिर्फ बोल रहा है। तो आवेशित के केस में वह प्रतिकर्षित भी कर सकता है, वह आकर्षित भी कर सकता है। तो हमारा ए और बी दोनों ऑप्शन सही है, तो इन दोनों को सही करने के लिए हम लोगों को ऑप्शन सी लगाना होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, और इस क्वेश्चन के लिए भी आपको मिलेगा 10 सेकेंड। तो जल्दी फास्ट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। जी हाँ, ऑप्शन बी, धन आवेशित। प्रोटॉन क्या होता है? धन आवेशित मैंने आपको लिखवाया था कि प्रोटॉन धन आवेशित होता है, और इस पर आवेश का मान इलेक्ट्रॉन के मान के बराबर होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, और इस क्वेश्चन के लिए भी आपको मिलेगा 10 सेकेंड। तो जल्दी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। जी हाँ, ऑप्शन ए, ऋण आवेशित। इलेक्ट्रॉन क्या होता है मेरे दोस्त? ऋण आवेशित होता है। यह भी आपको मैंने वहाँ पर पूरा चार्ट में लिखवाया था, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सभी के बारे में मैंने आपको लिखवाया था कि आवेश कितना होता है, चार्ज यानी द्रव्यमान कितना, तो सब मैंने आपको वहाँ पर लिखवाया था। तो मेरे दोस्त, इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऋण आवेशित होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, और इस क्वेश्चन के लिए भी आपको मिलेगा 10 सेकेंड। तो जल्दी फास्ट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। जी हाँ, ऑप्शन सी, अनावेशित। मेरे दोस्त, न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रॉन अनावेशित होता है, यानी कहने का मतलब है कि न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। जब मैंने न्यूट्रॉन पर चार्ज लिखा था नोटबुक में तो क्या लिखा था? जीरो। जीरो का मतलब कि उस पर कोई चार्ज नहीं है, यानी वह अनावेशित होता है। तो मेरे दोस्त, एक एक क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, और इस क्वेश्चन के लिए आपको मिलेगा 10 सेकेंड। तो जल्दी फास्ट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। जी हाँ, ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉन। तो मेरे दोस्त, क्वेश्चन क्या है एक बार पढ़ लीजिए। आवेशन की क्रिया में एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में ट्रांसफ़र होता है। तो मेरे दोस्त, मैंने आपको बताया था कि जब आप दो वस्तुओं को आवेशित करेंगे
तो आवेशित करने के लिए यह कंडीशन जरूरी है कि उन दोनों वस्तुओं के बीच इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होना चाहिए। भले कोई अन्य चार्ज पार्टिकल प्रदान हो या न हो, लेकिन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा तभी हमारा वस्तु आवेशित होगा। तो देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। तो मेरे दोस्त, आपके लिए एक स्पेशल इन्फॉर्मेशन है। यदि आपको यह सीरीज अच्छा लगा, यानी आपको ऐसे ही प्रत्येक टॉपिक वाइज का टेस्ट देना है और अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ आपको टेस्ट लगाना है, तो आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई ज़रूर दीजिएगा कि यह सीरीज हमें बहुत अच्छा लगा और हमें क्या क्या लाना चाहिए आपके लिए। आप अपने परेशानियों को कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और यदि आपको इसका PDF चाहिए तो वो भी कमेंट में बता दीजिएगा, मैं टेलीग्राम पर डाल दूँगा। तो इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।